नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इस जेल में कैदी करते हैं पढ़ाई। जमीन से जुड़े मामलों का स्टेटस अब जाने घर बैठे बैठे। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। इन गाड़ियों को जब्त करने की शुरू हुई तैयारी। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाविका के 33 पदों पर निकाली गई भर्ती। भारतीय नौसेना के नाविका के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त यानी कि आज से शुरू होने वाली है और 6 अगस्त तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुल मिलाकर 33 पदों पर बहाली के लिए भारतीय नौसेना ने आवेदन की मांग की है। आवेदन प्रक्रिया के बाद करीब 300 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह भर्ती अक्टूबर 2021 बैच के लिए होगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के बीच हुआ हो और साथ ही किसी भी वर्ग को इसमें आयु सीमा में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार के जेल में कैदी करते हैं पढ़ाई। बिहार के गोपालगंज जिले के थावे स्थित चनावे मंडल कारा ने अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज की है, जिसके तहत कारा में बंद 131 कैदियों ने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई के लिए नामांकन किया है। वर्तमान में जेल में 500 से ज्यादा पुरुष और महिला बंदी हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन कैदियों को जेल में बंद दूसरे कैदी ही पढ़ाएंगे। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जेल में एक बेहतर खुशनुमा और अनुशासन के तहत माहौल बनाया गया है, जिसके बाद कैदियों ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की है। बिहार में भारी बारिश की संभावना। बिहार के मौसम में इन दिनों काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ ही मौसम भी सुहाना बना हुआ है। रविवार को राजधानी समेत कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। पटना समेत राज्य के दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान इसी तरह की स्थिति राज्य में बने रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि राज्य के पश्चिमी भाग में हल्की बारिश और दक्षिण भाग में एक या दो स्थान पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट जारी किया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे निगमानंद सरस्वती की। निगमानंद सरस्वती का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। निगमानंद सरस्वती या स्वामी निगमानंद, जिन्हें अक्सर गंगा पुत्र निगमानंद के रूप में जाना जाता है, एक हिंदू भिक्षु थे जो गंगा नदी को नदी के तल में अवैध खनन से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए 19 फरवरी 2011 को भूख हड़ताल पर गए। उनका जन्म लताड़ी में हुआ था दरभंगा, और उनके अनशन के 115वें दिन 13 जून को उनकी जान चली गई थी। गंगा नदी में खनन के खिलाफ आंदोलन 1997 में शुरू हुआ था और निगमानंद इस आंदोलन के केंद्रीय व्यक्ति थे। जमीन से जुड़े मामलों का स्टेटस अब जाने घर बैठे बैठे। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की सारी जानकारी अब आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में दाखिल खारिज में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए, साथ ही म्यूटेशन को लेकर आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। यानी कि अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज मामले में DCLR कोड को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन होने के कारण अब कोई भी रैयत आम आदमी बगैर DCLR कोड गए हुए अपने केस से संबंधित प्रगति की जानकारी सिर्फ एक क्लिक में घर बैठे बैठे आसानी से हासिल कर सकता है। इसके साथ ही लोग अब अपने मामले में हो रही सुनवाई, गवाहों की मौजूदगी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा दिए गए आदेश और सुनवाई के उपरांत पारित किए गए अंतिम आदेश की प्रति भी ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकती है प्रवेश परीक्षा। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल प्रवेश परीक्षा का संयोग बन रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE मेन की रैंक से सीट नहीं भरने की स्थिति में इस साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाइड छात्रों को नामांकन का अवसर मिलेगा। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2019 के बाद से JEE मेन को लेकर के नामांकन हो रहा था, जिसके बाद पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने से पहले 2 सत्र में 25 से अधिक सीट बची रह जा रही है, जिसकी जानकारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के विशेष कार्यकारी पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए JEE मेन की राय के आधार पर 2 राउंड की काउंसलिंग होगी, एक मॉपअप राउंड का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट खाली रह जाती है तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
बिहार पुलिस को अब मिलेंगे विदेशी उपकरण। बिहार पुलिस अब और ज्यादा एडवांस होने वाली है क्योंकि बिहार पुलिस को जल्द ही ग्लास पिस्टल और MP5 मशीन गन जैसे विदेशी उपकरण मिलने वाले हैं। करीब 10 करोड़ रुपए की खर्च करके बुलेट प्रूफ हेलमेट, बॉडी वॉर्म कैमरा, इसके साथ ही लेजर स्पीड गन कैमरा आदि की भी खरीद होगी। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रिया में बनी सेमी ऑटोमेटिक 21 ग्लॉक पिस्टल की खरीद की जाएगी। इसका इस्तेमाल पुलिस प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम कांस्य पदक कर लिया है। बीते दिन खेले गए मैच में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वॉट नंबर 9 चीन के ही विंग जिया को 21-13, 21-15 से हराया। मिली जानकारी के अनुसार पीवी सिंधु ने महज 52 मिनट में ही इस मुकाबले को अपने नाम दर्ज कर लिया था, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह तीसरा पदक है। सबसे पहले भारत को मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने वेल्टर वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर लिया है। वहीं पीवी सिंधु ने भारत को एक और मेडल दिलवाने का काम किया। इससे पहले उन्होंने साल 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ ही सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इन गाड़ियों को जब्त करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में अब गाड़ियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यह कैसी गाड़ी होंगी जिनका फिटनेस खत्म होगा, इसको लेकर बिहार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को अधिक से अधिक पॉइंट पर जांच करने को कहा गया है, जिसमें प्रदूषण DL अपडेट करके ही वाहन लेकर सड़कों पर निकलने की नसीहत दी गई है। शनिवार से ही बिहार में वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस और व्यवसायिक वाहन के फिटनेस जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग और फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही फिटनेस जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। मीठापुर बस स्टैंड को लेकर अड़े बस मालिकों को दी गई चेतावनी। मीठापुर से बैरिया शिफ्ट हुए पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल बस स्टैंड पर पहले दिन सरकारी और प्राइवेट कुल मिलाकर 1372 बसें चलाई गई। इसमें प्राइवेट के 1320 और सरकारी के 52 बस शामिल है। हालांकि पहले दिन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अभाव के कारण कई यात्री मीठापुर बस स्टैंड ही चले गए थे, जिसके कारण उन्हें दोबारा सफर करना पड़ गया। हालांकि बस स्टैंड के शिफ्ट होने से बस मालिक भी खुश नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन इस मामले में बेहद सख्त है। यही कारण है कि बीते दिन जिद पर अड़े बस मालिकों को जिला प्रशासन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके तहत प्रशासन ने कहा है कि अपने संसाधन के साथ अगले 2 दिनों के अंदर बैरिया स्थित पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में वो सब बस शिफ्ट हो जाएं। किसी भी कीमत पर मीठापुर से बसों का संचालन अब नहीं होगा। बिहार के 6 शिक्षकों को किया जाएगा पुरस्कृत। बीते दिन बिहार के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला पल था, जब बिहार के 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए शिक्षक कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और पटना जिले से हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार में नामांकित शिक्षकों का इंडिपेंडेंट नेशनल ज्यूरी के सामने 5 अगस्त को VC के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया जाना निर्धारित किया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 जुलाई को पत्र भेजा था। बिहार में की जाएगी मेगा स्किल सेंटर की स्थापना। बिहार के सभी जिलों में जल्द ही मेगा स्किल सेंटर की स्थापना करने की तैयारी हो रही है। बिहार के श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सभी प्रमंडलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रोजगार को लेकर संवेदनशील है, इसलिए जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रम मंत्री रविवार को जमालपुर में चल रहे पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे थे। ज्ञात हो भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 में दत्तोपंत ठेंगरी ने की थी। यह पहला ऐसा संगठन है जो देश हित के लिए काम कर रहा है। बिहार में मिले COVID-19 के 50 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 45 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 434 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 2, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 5, जमुई में 1, खगड़िया में 2, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, नालंदा में 2, नवादा में 1, पटना में 4, पूर्णिया में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 7, शिवहर में 1, सुपौल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अरवल, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 146,571 सैंपल की जांच की गई। वहीं 66 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
जातीय जनगणना को लेकर संजय जायसवाल ने दिया बयान। जातीय जनगणना का मुद्दा इन दिनों बिहार में जोर शोर से सुनाई दे रहा है। ये कारण है कि जदयू हो चाहे भाजपा, इस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई अपना बयान जरूर जारी कर रहा है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से इस पर खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसकी मांग करने वालों को ये बताना चाहिए कि इससे वास्तव में क्या लाभ और हानि होंगे। साल 1931 के बाद से कभी जातीय जनगणना नहीं हुई है। अब जब जातीय जनगणना की मांग हो रही है तो लोगों को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं या इससे क्या हानि हो सकती है, इसमें दुर्गामी परिणाम क्या हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को बताया पीएम मटेरियल, तो मुख्यमंत्री ने कही ये बात। जदयू की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त उम्मीदवार बताया गया है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के लिए सटीक है। हालांकि अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मौजूद है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बेहतरीन प्रधानमंत्री है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग मौजूद है जो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं, उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पीएम मटेरियल बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम काहे का पीएम मटेरियल। पटना में 7 जगहों पर बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। राजधानी पटना के 7 जगहों पर जल्द ही अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। कॉरिडोर 2 के तहत गांधी मैदान, पीएमसीएच सहित 7 स्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। शहर के कॉरिडोर 2 के अंदर आने वाले स्टेशनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसके लिए करीब 1958 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। वहीं कॉरिडोर 1 में दानापुर, मीठापुर, खेमनी चौक होगा। इसमें 7.393 किलोमीटर उपरिगामी यानी कि एलिवेटेड होगा और भूमिगत 10.54 किलोमीटर होगा। प्रिंस राज ने चिराग पासवान से दिखाया हमदर्दी। समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस राज बीते दिन राजधानी पटना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने लोजपा में किसी भी तरह के कलह से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके तहत उन्होंने पटना पहुंचने के बाद कहा कि लोजपा में कोई टूट नहीं है, चिराग पासवान उनके भाई है, आज भी वो उन्हें उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें मंथन जरूर करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है। पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान की ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह गरीबों की पार्टी पहले ही थी और आज भी है, केवल नेतृत्व में बदलाव हुआ है। भाई के लिए कभी प्यार कम नहीं होता, लेकिन दिल में उन्हें भी परिस्थितियों पर मंथन करना चाहिए। बड़े पापा का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष बनने के साथ ही ललन सिंह ने की 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ललन सिंह को सौंपी गई है। वहीं अपनी कुर्सी को संभालते ही ललन सिंह ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसी क्रम में बीते दिन उन्होंने आने वाले समय में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू की भागीदारी के संकेत भी दे दिए। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी नीति और योजना के बारे में बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के हित के लिए जो भी निर्णय लूंगा वो सबसे सलाह मशवरा करने के बाद लूंगा, सभी नेता और कार्यकर्ता को साथ लेकर चलूंगा। आने वाले समय में यदि पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम एनडीए गठबंधन में रहकर ही 5 राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो निर्णय लेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। आखिरकार मुख्यमंत्री के गृह जिले पहुंचे चिराग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में बीते दिन चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ कर ही दिया। मिली जानकारी के अनुसार सांसद चिराग पासवान बीते दिन नालंदा पहुंचे, जहां राजगीर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले सांसद चिराग पासवान ने राजगीर के गुरुद्वारा में मत्था टेका। यात्रा को लेकर पूरे जिले में तोरण द्वार और बैनर पोस्टर लगाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश के गृह जिले नालंदा में समर्थकों का हुजूम भी चिराग पासवान के स्वागत में उमड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा में इस तरह का स्वागत और लोगों का प्यार मिलता देख चिराग पासवान भी काफी नजर आए। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा नीतीश सरकार की नीतियों से बिहार की जनता उब चुकी है। आने वाले समय में लोग लोक जनशक्ति पार्टी में विकल्प तलाश रहे हैं। नालंदा जिला में पूरी तरीके से विजयश्री का आशीर्वाद चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को दिया है। भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले तारकिशोर प्रसाद। भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति की बैठक का समापन बीते दिन हो गया, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले में आयोजित करवाया गया था। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुकेश सहनी की नाराजगी को लेकर इस दौरान अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के घटक चारों दल पूरी तरह से एकजुट है। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ हुए मामले में बिहार में गठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सहनी आज भी मजबूती के साथ गठबंधन में है। हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सहनी हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्हें यूपी सरकार से नाराजगी भले हो, पर हमसे और भाजपा से नहीं है। वो एनडीए गठबंधन में बिहार में महत्वपूर्ण सहयोगी है और वो आज भी हमें सहयोग कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्लेटफॉर्म ई रूपे की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपे की शुरुआत आज करने की घोषणा कर दी है, जिसकी जानकारी बीते दिन ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले साल इसी दौरान इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे, ताकि सरकार और लाभार्थी के बीच सीमित संपर्क बिंदु रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की अवधारणा सुशासन के दृष्टिकोण को आगे ले जाएगी। आपको बता दें कि यह डिजिटल भुगतान के लिए यह संपर्क रहित माध्यम होगा। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब सभी लोग डिजिटली करेंसी का उपयोग आसानी से कर सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। श्रीमती सी वेलियप्पा मुत्तमा 1970 में भारत की पहली महिला राजदूत बनी, जिन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया। विश्वनाथ आनंद 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। भारतीय क्रिकेटर एमवी श्रीधर का जन्म 1966 को हुआ था। पश्चिम भारतीय क्रिकेटर फिलो वालेस का जन्म 1970 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का निधन 2010 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को विश्व स्तनपान दिवस, दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऋषभ पंत खेल में सुधार के लिए इन चार लोगों से लेते हैं सलाह। भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में अपने खेल को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि वो अपने खेल में सुधार के लिए किसकी सलाह लेते हैं। बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं टीम के कोचिंग स्टाफ और सीनियर स्टाफ से काफी बातें करता हूं, जैसे मैं रोहित भाई से काफी बात करता हूं, मैं उनसे गेम के बारे में, वहीं विराट भाई हमेशा मेरी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए साथ में रहते हैं। इसके अलावा वो टीम के कोच रवि शास्त्री और सीनियर स्पिनर आर अश्विन से भी बात करते हैं। जीमेल से आसानी से करें ईमेल को शेड्यूल। जीमेल में आसानी से आप अपने ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। जीमेल के इस खास फीचर के तहत आप किसी भी ईमेल को अपने मनचाहे वक्त पर शेड्यूल कर सकते हैं। गूगल ने इस फीचर को साल 2019 में ही लॉन्च कर दिया था। इसके लिए ईमेल शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर पर जाकर जीमेल ओपन करें। जीमेल ओपन होने के बाद कंपोज पर टैप करें। यहां अपना मेल लिखें और उस यूजर की आईडी एंटर करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। सेंड बटन पर क्लिक करने की बजाय एरो बटन पर क्लिक करके शेड्यूल सेंड ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको डेट और टाइम स्लॉट मिलेगा। इसमें से आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को चुनें। इतना करते ही आपका ईमेल शेड्यूल हो जाएगा और तय वक्त पर अपने आप सेंड हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,380 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,380 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिशा गुड़िया, सोनू कुमार, नितेश कुमार, लाला कुमार, जयप्रकाश यादव, विवेक कुमार, मुकेश कुमार यादव, राजीव रंजन, सत्यप्रकाश कुमार, निकिता कुमारी, सविता राय, प्रीति यदुवंशी, सिंधु कुमारी, सरोज कुमार, मोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोविड-19 के वर्तमान मामलों को देखते हुए प्रारंभिक स्कूलों को खोल देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।